हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और फैक्टर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का क्या क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, वो इसके बारे में बात करेंगे और इसके फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो फैक्टर्स कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को मॉडिफाई या चेंज करते हैं, तो वो हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, कंज्यूमर बिहेवियर, स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो बेसिकली अगर हम कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर क्या है, ठीक है, क्यों हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, क्या इसके हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है अगर हम किसी भी कंज्यूमर पे रिसर्च कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो एक मार्केटर या प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अगर जैसे सपोज हम कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारा कोई प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, हमें पूरे मार्केट को एनालिसिस करनी होती है एक तरीके से, यानी कि मार्केट को पूरा स्टडी करना होता है कि आज के टाइम में क्या क्या बिजनेस प्रोस्पेक्टिव है, क्या सिनेरियो चल रहा है, किस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में आना चाहिए, कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर की क्या वांट है, कस्टमर की क्या डिज़ायर है, कस्टमर किस तरीके से प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है, कौन कौन से इनोवेटिव फीचर्स को वो उसमें चाह रहा है। जैसे सपोज कोई भी एक प्रोडक्ट है उसको वो कोई भी एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उसमें वो कौन कौन से इनोवेटिव फीचर्स चाह रहा है, ठीक है, तो वो हम बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम बात कर रहे हैं किसके, कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर के बारे में, कि हम क्या कर लेते हैं, कंज्यूमर के हर एक पॉइंट्स को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है, तो उससे पहले आपने नया मार्केट को प्रॉपरली एनालिसिस कर ली, उसके हिसाब से फिर आप अपने आप को क्या करोगे, रेडी कर लोगे, ठीक है, प्रोडक्ट में जो भी फीचर्स चाहिए, जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, वो आप वहाँ पे सारी पूरी प्लानिंग कर लोगे, ठीक है। प्रोडक्ट किस तरीके से मार्केट में लॉन्च होगा, कस्टमर की क्या किस तरीके से उसको लाइक करेंगे, किस तरीके से हम उनको परसुएट कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे जहाँ हमें प्रॉपरली कम्युनिकेशन करते हुए अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अवेयर करना होगा, कस्टमर से अवेयर करना होगा, ठीक है, तो वो सब हम बात करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमारे किससे, कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है। अब हमने क्या करी, मार्केट रिसर्च कर ली, प्रॉपरली हमने मार्केट को पे रिसर्च कर ली, कंज्यूमर पे रिसर्च कर ली, कंज्यूमर के हर एक पॉइंट्स को हमने स्टडी कर लिया, प्री परचेजिंग से लेके पोस्ट परचेजिंग तक जो भी फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं वो सारे फैक्टर्स आपने प्रॉपरली स्टडी कर लिए, तो वो ये हमारी क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर है, ठीक है, स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बाद अगर हम बात करें उसका क्या इम्पोर्टेंस है या फिर क्या एडवांटेज है किसी भी एक प्रोड्यूसर के लिए, तो यहाँ पे कुछ एडवांटेज लिखे हुए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले मार्केटिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, मार्केटिंग प्रोग्राम्स, सपोज यू वांट टू कंडक्ट अ मार्केटिंग प्रोग्राम, दैट टाइम यू हैव टू नो अबाउट द एवरी एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग टर्म्स एज वेल एज कंज्यूमर से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड हर एक टर्म्स आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। कोई भी एक यू आर गोइंग टू कंडक्ट अ प्रोग्राम, सो यू हैव टू प्रायर टेक द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंज्यूमर एंड द मार्केट, ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपरली हेल्प मिल जाती है। तो पहला पॉइंट क्या है, मार्केटिंग प्रोग्राम्स, बहुत वेल मैनर में आप मार्केटिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट कर सकते हैं जहाँ आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हुए उस प्रोग्राम को फिनिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है हर एक एस्पेक्ट के बारे में पता है कि कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जहाँ हमें प्रॉपर कंसिडर करने हैं और वो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल भी रहता है, ठीक है। सेकंड क्या है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, या तो आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आने वाले हैं या फिर आप कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को क्या है मॉडिफाई या डेवलप और उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट भी आप तभी करोगे जब पहले आपने प्रॉपरली कंज्यूमर को स्टडी कर लिया है, ठीक है, पूरी मार्केट को स्टडी कर लिया है, बिजनेस की जो भी प्रोस्पेक्ट चल रहे हैं आज के टाइम में उसको प्रॉपरली स्टडी कर लिया है। साथ के साथ एक पॉइंट और बता दूं, कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, अगर सिमिलर प्रोडक्ट आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं तो प्रॉपरली वो सारी चीज़ें भी आपने प्रॉपरली स्टडी कर ली हैं, कस्टमर
को प्रॉपरली उसके ट्रस्ट को मेंटेन करते हुए किस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पीट कर सकते हो, तो वो हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट वन इज एडवर्टीजमेंट्स डिजाइनिंग। जी हाँ, एडवर्टीजमेंट डिजाइनिंग अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कौन सा ऐसा सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसको विजिट करते हैं, ठीक है। जब भी हम एडवर्टीज कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारा यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हेल्दी कम्युनिकेशन कस्टमर कंज्यूमर के साथ हो, ताकि हमारा जो भी प्रोडक्ट है, हमारा जो भी मतलब कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम अपने कंज्यूमर को कन्वे कर दें, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग, सॉरी एडवर्टीजमेंट डिजाइनिंग। इस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट डिजाइन करते हो ताकि आपका कस्टमर प्रॉपरली आपको आपके प्रोडक्ट को लाइक करे और उसको एक उसके अंदर एक अर्ज क्रिएट हो ताकि वो आपको आपके प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर दे। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट डिजाइनिंग, ठीक है। आप एडवर्टीज डिजाइनिंग इस हिसाब से करते हो कि आपका कस्टमर मैक्सिमम टाइम आपको परचेज आपके प्रोडक्ट को परचेज करे, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ट्रस्ट वर्दी और लॉयल्टी वहाँ पे बनी रहे। नेक्स्ट है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी आप तभी फॉर्मुलेट करते हो जब आपने पूरा कस्टमर को प्रॉपरली कंज्यूमर को स्टडी कर लिया है, ठीक है। अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या है, सारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को स्टडी करना होगा, ठीक है। तब जाके मैं एक बेस्ट पॉलिसी को फॉर्मुलेट करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। मुझे कंज्यूमर के हर एक एस्पेक्ट के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। मुझे मार्केट के एस्पेक्ट्स के कॉम्पिटिटर्स हैं, जो इन्वायरमेंट है, उन सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए। जब मैं सब चीज़ों से अवेयर हूँगा तभी जाके एक फ्रूटफुल स्ट्रैटेजी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर्मुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे भी प्रॉपरली हमें हेल्प मिल रही है इंपॉर्टेंस एज अ इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर डोंट रिएक्ट और एक्ट एज अ थ्योरी सेज, ठीक है। कंज्यूमर ऐसा रिएक्ट नहीं करता कि जो भी थ्योरी कहती है, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रॉपरली सारी चीज़ों को प्रॉपरली एनालिसिस करनी है। हर चीज को कंज्यूमर के हर एक एस्पेक्ट से आपको अवेयर होना है, क्योंकि क्या है, टाइम टू टाइम जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है वैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बदलते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे बात करें 4 P's ऑफ मार्केटिंग, फिर उसके बाद P's भी बढ़ गए, 7 P's ऑफ मार्केटिंग हो गए, ठीक है। जैसे 7S फ्रेमवर्क की बात करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो जैसे जैसे सिनेरियो बिजनेस प्रोस्पेक्ट चेंज होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें क्या करना है, अपने आप को भी रेडी करना है। तो वो हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फैक्टर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कंज्यूमर कैसे इन्फ्लुएंस होता है, तो कल्चर से इन्फ्लुएंस होता है, पर्सनैलिटी से, उसकी पर्सनैलिटी अलग है, उसकी वैल्यू अलग है, उसकी फैमिली लाइफ स्टाइल अलग है, एटीट्यूड उसका अलग है, उसकी ओपिनियन, उसकी नॉलेज और उसके पीयर कॉम्पिटिशन, ठीक है। जहाँ ये सारी चीज़ें कंज्यूमर को क्या है, इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे सपोज हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी सपोज हम बात करते हैं जैसे किसी भी कंज्यूमर के कल्चर से रिलेटेड, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सब कल्चर्स आ जाते हैं, जैसे रिलीजन है, उसके वैल्यू वैल्यूज, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंस, ऑर्गेनाइजेशनल में हम बात कर रहे हैं ब्रांड, ब्रांड किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कोई रेपुटेटेड ब्रांड है, गुडविल मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो वहाँ वो सारी चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। प्रोडक्ट फीचर्स हैं, एडवर्टीजमेंट्स है, वर्ड्स ऑफ माउथ है, प्रमोशन है, क्वालिटी एंड सर्विसेज है, ठीक है। तो ये थे पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू कंज्यूमर्स बिहेवियर, फैक्टर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इट इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड फैक्टर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर।